गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेलोसिटी एनालिसिस। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था डिफरेंट इन्वर्जन मैकेनिज़म्स के बारे में, और बेसिक्स ऑफ काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन के बारे में हमने पढ़ा था। इसमें काइनेमेटिक पेयर, काइनेमेटिक चेन, डिफरेंट कंडीशंस ऑफ काइनेमेटिक चेन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सारे टॉपिक हमने कवर किए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी एनालिसिस के बारे में, ठीक है। वेलोसिटी एनालिसिस में वो क्या करना है कि किसी भी मशीन में, किसी भी मैकेनिज्म में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनकी वेलोसिटी क्या होगी और कैसे उनकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे, ये सारा एनालिसिस हम वेलोसिटी एनालिसिस में करेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी एनालिसिस करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो है इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड, ठीक है। तो आज हम समझेंगे इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड के बारे में। इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड को समझने से पहले सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होता है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर जो वर्ड है, इससे क्लियर है कि ऐसा सेंटर है जो एक इंस्टेंट पे डिफाइंड हो। इंस्टेंट वर्ड से बना है इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऐसा सेंटर है जो कि एक इंस्टेंट पे ही डिफाइंड, ठीक है। तो इसका डिफिनीसन वाइज यहाँ क्या लिखा है, इन जनरल द मोशन ऑफ अ लिंक इन अ मैकेनिज्म इज नाइदर प्योर ट्रांसलेशन एंड नॉर प्योर रोटेशन। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन विच विल नॉर्मली वी से द लिंक इज इन जनरल मोशन, ठीक है। बट एनी लिंक एट एनी इंस्टेंट कैन बी एज्यूम टू बी इन परफेक्ट रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट इन स्पेस विच इज नोन एज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये डिफिनीशन हो गया। इस डिफिनीशन के हिसाब से ये क्या कह रहा है कि जनरली जो मोशन होता है, जो मैकेनिज्म्स में जो डिफरेंट मशीन्स होते हैं उसमें जो मोशन होता है, वो जो मैक्सिमम टाइम ये होता है कि ना ही प्योर रोटेशन होता है ना ही प्योर ट्रांसलेशन, मतलब ना ही प्योर लिनियर मोशन होता है, ठीक है। जैसे अगर कोई लिंक है, ये लिंक अगर प्योर रोटेशन कर रहा है तो उसका एक सेंटर डिफाइन हुआ कि एक सेंटर के अबाउट रोटेशन करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई लिंक है जो कि प्योर रोटेशन नहीं कर रहा, रोटेशन तो कर ही रहा है साथ में लिनियर मोशन भी कर रहा है, तब हम उसका एक फिक्स सेंटर नहीं बता सकते कि किस सेंटर के अबाउट इसका प्योर रोटेशन होगा, ठीक है। ऐसा जो लिंक है उसके इस टाइप के जो मोशन होता है किसी लिंक में, जिसमें रोटेशन भी होता है और लिनियर मोशन भी होता है, तो इस टाइप का जो मोशन होता है इसको हम बोलते हैं जनरल मोशन, ठीक है। और इस कंडीशन में हमको एक इंस्टेंट पे, अगर लिनियर मोशन कर रहा है बॉडी रोटेशन के साथ, तो एक इंस्टेंट पे हमको देखना पड़ेगा एक सेंटर जिसके अबाउट वो परफेक्ट रोटेशन मोशन कर रहा हो। और वही वही जो उस इंस्टेंट पे जिस सेंटर के अबाउट हम परफेक्ट रोटेशन देख रहे हैं, उसी सेंटर को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर, ठीक है। इसको जरा हम एक एग्जांपल से समझेंगे। अगर तो जैसे हमारा स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म होता है, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म अगर हम देखें तो ये ऐसे हमारा कुछ क्रैंक होता है, एक मिनट, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ये हमारा यहाँ पे ये क्रैंक होता है, ठीक है। और इस क्रैंक से जो है ये कनेक्टिंग रॉड जुड़ा होता है, और यहाँ पे जो है ये पिस्टन लगा होता है, ठीक है। और यहाँ जो है ये स्लाइडर फिक्स होता है ऐसे कुछ, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होता है कि ये जो क्रैंक है ये तो प्योर रोटेशन करता है, क्रैंक जो है पूरा सर्कुलर मोशन करता है यहाँ से, ठीक है। ये प्योर रोटेशन करता है, पूरा सर्कुलर मोशन करता है ये क्रैंक। तो इसका सेंटर फिक्स है, जिस पॉइंट पर हमने फिक्स किया है यही इसका सेंटर होगा, इसी के अबाउट प्योर सर्कुलर मोशन कर रहा है, प्योर रोटेशन हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ जो पिस्टन है ये प्योर लीनियर मोशन करता है, यहाँ जो पिस्टन है ये प्योर लीनियर मोशन करता है, इसमें कोई रोटेशन होता ही नहीं है, ठीक है। इसमें परफेक्ट लीनियर मोशन होता है, परफेक्ट ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो ये कनेक्टिंग रॉड है, ये जो कनेक्टिंग रॉड है, ये कनेक्टिंग रॉड इस क्रैंक के साथ तो घूमता ही है साथ में, इस क्रैंक के साथ अगर इस क्रैंक आगे बढ़ेगा तो इस कनेक्टिंग रॉड को लेके आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो क्रैंक के साथ तो घूमता ही है, साथ में लीनियर मोशन भी करता है, मतलब ये कनेक्टिंग रॉड जो है ये रोटरी मोशन भी कर रहा है और साथ में लीनियर मोशन भी कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में देखा जाए तो ये कनेक्टिंग रॉड जो है ये एक लीनियर मोशन भी कर रहा है और रोटेशन मोशन भी कर रहा है। तो इस मोशन को, कनेक्टिंग रॉड के मोशन को हम बोलेंगे जनरल मोशन, ठीक है। जैसे क्रैंक तो हो गया प्योर रोटेशन मोशन कर रहा है, पिस्टन जो है प्योर ट्रांसलेशन मोशन या प्योर लीनियर मोशन कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो कनेक्टिंग रॉड बीच में लगा है ये लीनियर मोशन भी कर रहा है और रोटरी मोशन भी कर रहा है, ठीक है। तो इसके मोशन को हम जनरल मोशन बोलेंगे। अब इस केस में अगर इस क्रैंक का हमको एक ऐसा सेंटर फाइंड आउट करना है जिसके अबाउट जो कनेक्टिंग रॉड है वो प्योर रोटरी मोशन कर रहा हो, तो उस केस में हमको एक इंस्टेंट पे देखना पड़ेगा, ठीक है।
तो जैसे जैसे हमने डायग्राम बनाया है, जैसे मान लो ये क्रैंक है, ये अगर क्रैंक है, ठीक है, एक मिनट, ये हमारा क्रैंक है और ये कनेक्टिंग रॉड है, ये पिस्टन लगा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या करना पड़ेगा कि जैसे ये क्रैंक अगर घूम रहा है इस तरह, तो ये कनेक्टिंग रॉड को भी आगे लेके जा रहा है, आगे लेके जा रहा है, और ये कनेक्टिंग रॉड पार्शियल रोटेशन भी कर रहा है। तो हमको ये देखने के लिए कि कनेक्टिंग रॉड कब प्योर रोटेशन कर रहा है, किस सेंटर के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है, तो इस कनेक्टिंग रॉड को हमको एक इंस्टेंट पे रोकना पड़ेगा। एक इंस्टेंट पे जब इसको रोकेंगे हम, तब हमको दिखाई देगा कि ये इस पॉइंट के अबाउट परफेक्ट रोटेशन कर रहा है। तो वो जो पॉइंट होगा स्पेस में, उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल देके मैंने समझाया है, आगे हम और भी एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ आप देखो एक और डायग्राम बनाया गया है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है। अब ये जो एक डायग्राम दिया गया है, यहाँ 4 बार मैकेनिज्म है ए बी सी डी, और यहाँ पे जो है ये लिंक ए डी जो है ये फिक्स किया गया, लिंक ए डी फिक्स है, और ये लिंक ए बी है, ठीक है, बी सी एंड सी डी, ठीक है। अभी इसमें मैंने मान लिया है कि, मान लो जो है ये लिंक ए बी जो है, ये जो है इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर यहाँ किसी पॉइंट आई पे है। मतलब लिंक ए बी मान लो जनरल मोशन में है, मतलब रोटरी मोशन भी कर रहा है और लीनियर मोशन भी कर रहा है, तो इसका एक इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा। वो मैंने मान लिया कि ये इंस्टेंटेनियस सेंटर जो है ये आई यहाँ पे है, ठीक है। तो अभी ये इंस्टेंटेनियस सेंटर इस पूरे लिंक का है, ठीक है, मतलब पॉइंट ए के लिए भी यही है, पॉइंट बी के लिए भी यही है। तो इस ए बी पे जितने पॉइंट पड़ेंगे, इन्फाइनाइट पॉइंट पड़ेंगे, सबका इंस्टेंटेनियस सेंटर आई ही है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ बीच में एक पॉइंट सी ले लिया है, और सी का जो है ये सी का भी फिर इंस्टेंटेनियस सेंटर ये आई ही होगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, चूंकि हम मान रहे हैं कि ये जो जो ये लिंक है, इसका हर एक पॉइंट इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट परफेक्ट रोटरी मोशन करेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट के अबाउट परफेक्ट रोटरी मोशन करता है, उसके केस में अगर हमको उस किसी पॉइंट पे अगर लीनियर वेलोसिटी निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू क्या होता है, वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, यही फॉर्मूला होता है ना, वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, जहाँ आर क्या है, रेडियस, क्योंकि प्योर रोटेशन मोशन है, ठीक है। तो जिस सेंटर के अबाउट रोटेशन कर रहा है, वहाँ से रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब अगर हम मान लें कि ये जो रॉड लिंक ए बी है, ये जो है इसका एंगुलर वेलोसिटी जो है यहाँ इस टाइम ओमेगा है, ओमेगा ए बी है, ठीक है, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी जो है इसका ओमेगा ए बी है। तो अगर हम पॉइंट बी की वेलोसिटी निकालें, तो वी बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा ए बी है। अब देखो ओमेगा ए बी भी पूरे रॉड का सेम रहेगा, ए बी पूरे रॉड के लिए ओमेगा ए बी एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगा हर एक पॉइंट के लिए, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ए बी हो गया। लेकिन जो आर की वैल्यू है, रेडियस की वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉइंट बी से लेकर जो हमने आई सेंटर माना, जिसके अबाउट परफेक्ट रोटेशन हो रहा है, यहाँ तक की दूरी लेंगे, इंटू बी इंटू आई, ठीक है। तो आर की वैल्यू जगह बी इंटू आई, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी क्या हो जाएगा, ओमेगा ए बी इंटू बी इंटू आई, ठीक है। तो ये हो गया बोला वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी। सिमिलरली अगर हम वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए निकालें, अब हम मान लो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए निकालना है, अगेन वी ए के लिए ओमेगा तो वही रहेगा, ओमेगा ए बी, लेकिन अब जो रेडियस है वो चेंज हो जाएगा। अब हम ए पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट ए से जो इंस्टेंटेनियस सेंटर की दूरी हो गई, उसको हम रेडियस मानेंगे, तो ए आई ये रेडियस हो जाएगा, ए इंटू आई। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, वी एज इक्वल टू ओमेगा ए बी इंटू ए आई, ओके। ऐसे कोई और पॉइंट सी है, तो उसके लिए हर हर पॉइंट के लिए जो रेडियस चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट से जो आई सेंटर की जो दूरी है वो अलग अलग है, ठीक है। तो इसका एक इन जनरल हमने फॉर्मूला निकाल लिया है। अब मान लो यहाँ से अगर मैं ओमेगा ए बी की वैल्यू निकालूँ, तो ओमेगा ए बी इक्वल टू क्या जाएगा, वी बी अपॉन बी आई। अगर यहाँ से मैं ओमेगा ए बी निकालूँ, तो वी ए अपॉन ए आई, ठीक है। तो इसका हमने एक जनरल फॉर्मूला बना लिया है कि ओमेगा ए बी इक्वल टू वी बी अपॉन बी आई इक्वल टू वी ए अपॉन ए आई इक्वल टू वी सी अपॉन सी आई इक्वल टू वी डी अपॉन डी आई। ये एक जनरल फॉर्मूला हमने निकाल लिया है, ठीक है। हर एक पॉइंट के लिए देखो हमने अलग अलग रेडियस लिया है, बी के लिए बी आई, सी के लिए सी आई, ए के लिए ए आई,
और डी के लिए डी आई, ठीक है। तो ये एक जनरल फार्मूला निकल के आ गया, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकल के आ गया ये, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर कितना होगा किसी भी मैकेनिज्म में, नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर कितना होगा कैसे पता चलेगा, क्योंकि किसी भी मैकेनिज्म में डिफरेंट लिंक्स हैं, बहुत सारे लिंक हैं। अब हर हर लिंक का अलग अलग मोशन है, तो हर लिंक के लिए अलग अलग इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर नंबर ऑफ लिंक एल है, इफ़ नंबर ऑफ लिंक एल है तो नंबर ऑफ आईसी जो होता है इंस्टेंटेनियस सेंटर को शॉर्टकट में आईसी बोलते हैं, आई सेंटर, तो नंबर ऑफ आईसी क्या होगा, एल सी टू, ठीक है। एल सी टू, सी मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन, आप लोग पढ़े होंगे तो वो वही वाला सी है, कॉम्बिनेशन वाला सी है एल सी टू। और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यह आएगा एल एल माइनस वन बाई टू, ठीक है। मतलब कि अगर किसी भी मैकेनिज्म में नंबर ऑफ लिंक हमको पता हो, नंबर ऑफ लिंक अगर एल है, नंबर ऑफ लिंक अगर एल है तो नंबर ऑफ आईसी कितना हो जाएगा, एल एल माइनस वन बाई टू, ठीक है। सबसे बेसिक मैकेनिज्म का हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो सबसे सिंपल जो मैकेनिज्म होता है फोर बार मैकेनिज्म, उसमें एल एल की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ लिंक कितना होता है, फोर होता है। तो नंबर ऑफ आईसी कितना हो जाएगा, एल एल माइनस वन बाई टू में वैल्यू रखो तो फोर इंटू फोर माइनस वन बाई टू, तो ये वैल्यू आएगी इक्वल टू सिक्स, ठीक है। तो मतलब कि फोर बार मैकेनिज्म में जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लिंक चार हैं, टोटल नंबर ऑफ आईसी सेंटर छः होगा, ठीक है। टोटल जो इंस्टेंटेनियस सेंटर आएंगे वो छः होंगे। अब ये छः इंस्टेंटेनियस सेंटर कैसे होंगे उसको देखने के लिए यहाँ पे देखो, उसका थोड़ा जो नोटेशन है उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। मान लो जो नंबर ऑफ लिंक है उनको हम दिखाते हैं वन टू थ्री फोर से, नंबर ऑफ लिंक वन टू थ्री फोर, ये चार लिंक हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन जो हम बनाएंगे आई सेंटर का, पहले वन के साथ सबका पेयर बनाएंगे, सबसे पहले वन के साथ हम सबका पेयर बनाएंगे। तो पहले वन के साथ पेयर बनेगा टू का, देन थ्री का, देन फोर का। तो पहला आई सेंटर जो आएगा वो आएगा आई वन टू, उसके बाद आएगा आई वन थ्री, उसके बाद आएगा आई वन फोर, ये वन के साथ कॉम्बिनेशन बन गया। उसके बाद दूसरा जो कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे टू के साथ, दूसरा कॉम्बिनेशन जो बनाएंगे वो टू के साथ। तो टू के साथ वन का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बना हुआ है, तो टू के साथ कॉम्बिनेशन किसका बनेगा, थ्री और फोर का। तो अगला जो कॉम्बिनेशन बनेगा टू से वो बनेगा आई टू थ्री और आई टू फोर, क्योंकि टू के साथ वन का बना हुआ है, आई वन टू तो बना ही हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ क्या आएगा, आई टू थ्री और आई टू फोर। उसका लास्ट जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा टू के बाद क्या आ रहा है, थ्री। तो थ्री का बनेगा फोर से, क्योंकि थ्री का टू से बना हुआ है, थ्री का वन से बना हुआ है। थ्री का देखो यहाँ वन से भी बना है, थ्री का यहाँ टू से भी बना है, तो थ्री का केवल फोर से बनेगा, तो आई थ्री फोर। ये इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे आई सेंटर के। अभी टोटल इसको कैलकुलेट करो तुम लोग आई सेंटर, तो कितना आएगा ये, एक दो तीन चार पाँच छः, टोटल छः आई सेंटर आ रहा है। और ये हमने वैल्यू निकाला भी है यहाँ पे, टोटल आई सेंटर की वैल्यू कितनी है, छः है। तो इस तरह से ये छः आई सेंटर जो है बनेंगे, ओके। इस तरह से नोटेशन सम कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी हमको देखना है इन डिफरेंट मैकेनिज्म्स में नंबर ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म्स में आई सेंटर को हम कैसे दिखाते हैं, कैसे आई सेंटर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट मैकेनिज्म्स में, डिफरेंट पेयर्स में। तो पहला जो है वो है टर्निंग पेयर, पहला जो है वो है टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर में आई सेंटर कहाँ पे होता है, टर्निंग पेयर में आई सेंटर जहाँ पे ज्वाइंट होता है, जहाँ पे दो लिंक का ज्वाइंट होता है वही आई सेंटर होता है, ठीक है। मान लो ये लिंक वन है, ये लिंक टू है, तो यहाँ पे जहाँ पे ज्वाइंट होगा, एक मिनट थोड़ा इसको, ये मान लो यहाँ मैं डायग्राम आ रहा हूँ, ये लिंक वन है और ये लिंक टू है, इन दोनों का जहाँ पे ज्वाइंट है, ठीक है। चूंकि इसी के अबाउट ये भी रोटेशन करेगा और ये भी रोटेशन करेगा, और कोई पॉइंट तो होगा नहीं जिसके अबाउट दोनों रोटेशन करेंगे, तो यही जो है इन दोनों का आई सेंटर आई होगा, ठीक है। और चूंकि लिंक वन और टू है तो इसको बोलेंगे आई वन टू, ठीक है। लिंक वन और टू से मिलकर बना है, इसको बोलेंगे आई वन टू। तो कहीं भी अगर हमको टर्निंग पेयर दिख रहा है तो कुछ नहीं करना है, दोनों लिंक का जहाँ पे ज्वाइंट है, जहाँ पे टर्निंग पेयर बनाया गया है, ठीक वही उसका आई सेंटर बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है रोलिंग पेयर। तो रोलिंग पेयर में आई सेंटर कहाँ होता है, रोलिंग पेयर में मैंने बताया था कि जो रोलिंग व्हील है उसका जो कांटेक्ट होता है फ्लैट सरफेस से जिस पे रोल कर रहा है वो पॉइंट कांटेक्ट होता है, ठीक है। कोई भी रोलिंग व्हील अगर किसी फ्लैट सरफेस से रोल कर रहा है तो जो नीचे का जो कांटेक्ट होता है ना, वो बिल्कुल जो कांटेक्ट होता है फ्लैट सरफेस से, वो पॉइंट कांटेक्ट होता है, और वही पॉइंट कांटेक्ट जो है वो आई सेंटर होगा। कोई भी हम दो पॉइंट ले लें इस पे, तो किसी भी पॉइंट का जो कांटेक्ट पॉइंट है रोलिंग पेयर में, वही जो है आई सेंटर होगा, ठीक है। इसको मैंने डायग्राम में बनाया भी है यहाँ पे, ठीक है।
तो मान लो दो पॉइंट हमने लिया है वन और टू, तो आई सेंटर वन और टू, तो आई सेंटर क्या होगा, आई वन टू, यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वहाँ बनेगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद थर्ड एग्जांपल अगर हम देखें तो थर्ड है स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर में क्या होता है, स्लाइडिंग पेयर में मान लो ये ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, ये किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर जो है स्लाइड कर रहा है। तो स्लाइडिंग पेयर में हमको ये चीज़ पता है, स्लाइडिंग पेयर में जो मोशन होता है लीनियर मोशन होता है, ट्रांसलेटरी मोशन होता है, रोटरी मोशन तो होता ही नहीं है, रोटेशन होता ही नहीं है, तो हम सेंटर कहाँ दिखा पाएंगे, ठीक है। जैसे अगर अगर ये कोई फ्लैट प्लेट है यहाँ पे, अगर ये बॉक्स है, ठीक है, तो इसका जो मोशन होता है ये तो लीनियर मोशन होता है ना, रोटरी मोशन तो करता ही नहीं है, प्योर परफेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन होता है, प्योर लीनियर मोशन होता है। तो इसका हम आई सेंटर कहाँ दिखाएंगे, ठीक है, तो इसका हम आई सेंटर नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसका आई सेंटर हमेशा इन्फाइनाइट पे आता है, ठीक है। हम मानते हैं कि यहाँ जो लीनियर मोशन हो रहा है, और वैसे भी लाइन जो होता है, लाइन को हम बोल सकते हैं कि लाइन जो है इन्फाइनाइट रेडियस का सर्किल है, ठीक है। लाइन को हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो इन्फाइनाइट रेडियस का एक सर्किल है। इसीलिए इसका सेंटर जो है, इसका जो आई सेंटर आएगा ये इन्फाइनाइट पे आएगा। तो हमको क्या करना है कि ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देना है, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, और इस लाइन पर लिख देना है, मान लो कि जो फ्लैट सर्फेस है इसको हम वन से दिखा रहे हैं, ब्लॉक को हम टू से दिखा रहे हैं, तो इसको आई सेंटर किससे दिखाएंगे, आई वन टू से। यहाँ लिख देंगे आई वन टू एट इन्फाइनाइट, ठीक है, आई वन टू एट इन्फाइनाइट, ठीक है, क्योंकि हमको आई सेंटर पता ही नहीं है, ये इन्फाइनाइट पे जाकर मिलेगा। तो जहाँ भी स्लाइडिंग पेयर आए हमको ध्यान देना है, स्लाइडिंग पेयर केस में हमेशा एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, ठीक है, कॉन्टेक्ट पॉइंट, कॉन्टेक्ट लाइन पे, और उस पर लिख देना है कि आई आई एट इन्फाइनाइट, ठीक है। तो यही काम हमने किया भी है इस डाइग्राम में, ये तो मैंने ऐसा समझा दिया, यहाँ जो डाइग्राम बनाया है यहाँ पर यही काम हमने किया है, ये बॉक्स है टू है वन, ये वन है, यहाँ हमने लाइन खींच दिया, लिख दिया आई वन टू एट इन्फाइनाइट, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल। अच्छा मान लो स्लाइडिंग जो है एक कर्व सरफेस पर हो रहा है, अगर स्लाइडिंग जैसे ये ब्लॉक जो है स्लाइड, ये प्लेन था, यहाँ पे कर्व कर दिया गया है, तो कर्व कर दिया गया तो इसका सेंटर तो होगा ही ना, अगर कर्वेचर पर स्लाइड हो रहा है तब तो इसका सेंटर जो होगा वही आई सेंटर बन जाएगा, ठीक है, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, कैसा भी कर्वेचर हो, तो इसका जो सेंटर होगा, क्योंकि कर्व है सेंटर तो होगा ही उसका, वही सेंटर आई सेंटर हो जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन में लीनियर स्लाइडिंग हमेशा लीनियर ही देता है, ठीक है, तो हमको इनफाइनाइट पे ही मानना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। तो ये सारे हमको ध्यान देना है, क्वेश्चन में अगर आता है ऐसे तो तुम कुछ चीज़ें जो है डायरेक्ट हम दिखा पाएंगे, मान लो क्वेश्चन में टर्निंग पेयर है, सीधे वहाँ ज्वाइंट पर दिखा दो कि वही आई सेंटर होगा, अगर स्लाइडिंग पेयर है तो उसको इनफाइनाइट पर दिखाना है, ठीक है। तो ये सारी बातें इसलिए बताई गई हैं कि अगर क्वेश्चन में आपको दिखता है तो आप डायरेक्ट उसको दिखा पाओ कि हाँ यही आई सेंटर है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनेडी थ्योरम। कैनेडी थ्योरम क्या कहता है, ठीक है, कैनेडी थ्योरम कहता है, अकॉर्डिंग टू कैनेडी, फॉर द रिलेटिव मोशन बिटवीन द नंबर ऑफ लिंक्स इन अ मैकेनिज्म, एनी थ्री आईसी शुड लाई इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कैनेडी थ्योरम के हिसाब से कि अगर किसी मैकेनिज्म में रिलेटिव मोशन होना है तो उस मैकेनिज्म के कोई भी तीन आई सेंटर एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी तीन आई सेंटर एक स्ट्रेट लाइन में है तब तो रिलेटिव मोशन होगा, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, और ये हमने पढ़ा भी है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें तीन लिंक हैं वन टू थ्री, और तीनों जो है टर्निंग पेयर से बनाए गए हैं, ये फ्रेम या स्ट्रक्चर होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी इसको कैंडी थ्योरम से भी हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो कैंडी थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये जो स्ट्रक्चर है इसके तीनों आई सेंटर अगर एक लाइन में आएंगे तो रिलेटिव मोशन होगा, अगर एक लाइन में नहीं होंगे तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो देखते हैं लाइन में है कि नहीं, ठीक है। तो इस केस में अगर हम आई सेंटर देखें, ये लिंक वन है, टू है, थ्री है, तो वन टू का आई सेंटर कहाँ पर आएगा, आई वन टू यहाँ आएगा, वन थ्री कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और टू थ्री कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, चूँकि चूँकि ये टर्निंग पेयर है तो ज्वाइंट है वहीं पर आई सेंटर आएगा, तो ये हो गया टू थ्री। अब ध्यान से देखो अगर इस डाइग्राम में, तो आई वन टू, आई वन थ्री और आई टू थ्री, ये तीनों क्या एक लाइन में है, ये तीनों एक लाइन में नहीं है, ठीक है, ये तीनों थ्री डी बने हुए हैं, एक लाइन में नहीं है, एक एरिया में है, ठीक है, एक स्ट्रेट, एक लाइन मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन में हो, यहाँ मान लो आई वन टू होता है, यहाँ आई वन थ्री होता है, यहाँ टू थ्री होता है, ये एक लाइन में है, अगर एक लाइन में होता तब जाकर रिलेटिव मोशन होता है, लेकिन यहाँ पर एक लाइन में नहीं है, ठीक है, तीनों ट्राइंगल के तीनों कोने बने हुए हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ कैनेडी थ्योरम सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ रिलेटिव मोशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैनेडी थ्योरम से प्रूव हो गया रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो ये फ्रेम है, स्ट्रक्चर है, ठीक
ठीक है। और ऑलरेडी हम इसको पढ़ भी चुके हैं कि ये फ्री मैच स्ट्रक्चर ही होता है, इसमें कोई रिलेटिव मोशन होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ एक कैनेडी थ्योरम ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये चीज़ यहाँ लिखा भी हुआ है, कैनेडी थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाई बिकॉज इट इज़ अ फ्रेम ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये इस तरह से कैनेडी थ्योरम में हम आई सेंटर का यूज करके पता कर सकते हैं कि किसी मैकेनिज्म में रिलेटिव मोशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब इसका इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।